हाय गाइस, आज हम लोग एक ट्रिक करने वाले हैं। अमेजिंग ट्रिक है और इसमें एक नंबर जरूर आता है हर एक एग्जाम में। खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, तो इससे क्वेश्चन आता है किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इसके लिए मैं आपको उसी जो वर्ड है, यानी कि जिस खेल का है, उसी वर्ड में ही ट्रिक बताऊंगा, ताकि आपको अलग से कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कि रटना पड़े, वो भी आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा, सेम उसी में दिमाग लगाना है। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं पोलो। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, इसके लिए देखिए आप इसी के लेटर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो पोलो में कितने लेटर हो गए, 4। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो सिंपली आपको याद हो जाएगी कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। फिर देखते हैं कबड्डी, ठीक है। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली कबड्डी भी क्या करना है, वर्ड काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो गए, 7। तो आपको कबड्डी के भी याद हो गए कितने होते हैं, 7। इस तरह से आप लिख लीजिएगा कि कबड्डी इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग, तो उससे याद रहेगा। अब नेटबॉल में देखते हैं खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बॉल की स्पेलिंग में डबल एल होते हैं, तो उसी तरह देखिए तो इसमें कितने हो गए, 7। अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर पोलो। तो वाटर पोलो को मैंने इस तरह से लिखा है, आप याद रखने के लिए इसी तरह से लिखें। जैसे पोलो का हमें पता है कितने होगा, ये 4, और वाटर में हिंदी वाले में अगर गिने तो एक ये होता है, एक ये, एक ये, तो तीनों ये हो गए, तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो सिंपली आपको ये इसका भी रहेगा याद, इन तीनों में 7-7 होती है, कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो। तो आपको याद रहेगा तीनों में कि 7-7 इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वॉलीबॉल। तो वॉली में आपको बॉल को नहीं काउंट करना, सिर्फ वॉली को करना है, वॉलीबॉल। तो वॉलिंग की स्पेलिंग देखें, 1 2 3 4 5 6, डबल एल होते हैं वॉली में स्पेलिंग, तो कितने हो गए, 6 लेटर। इसलिए वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6। आपको सिंपली इसी में रीजनिंग से याद करना है, ताकि याद हो सके। अब देखते हैं बास्केटबॉल। तो बॉल को यहाँ भी काउंट नहीं करना आपको, तो बॉल जब भी ऐसे आए तो याद नहीं करना इन्हें, तो बॉल को आपको सिंपली याद रखना है। देखिए बास्केट में आपको इसमें मात्रा सहित याद करना है, जिससे कि आपको याद रहे। बास्केटबॉल की थोड़ी सा वो है, तो एक ये, तो कितना हो गया बास्केटबॉल, बी यानी कि बा, फिर आ की मात्रा आधा सा, 3, ये 4, इसके ऊपर एक मात्रा है, तो कितना हो गया, 5, और एक ये 6। ओके, तो बास्केटबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 5, यानी कि 1 2 3 4 5। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ओके, तो ये आपको याद हो जाएगी, बास्केटबॉल में 5। इसकी मैं अलग से अभी लास्ट में एक और ट्रिक बताऊंगा, उससे भी आप याद रख सकते हैं, कि बास्केटबॉल की कहानी सुनाऊंगा तो उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। उसको अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जिम्नास्टिक की देखते हैं। जिम्नास्टिक के कई प्रकार होते हैं, उनमें से एक टीम वाला जो होता है। तो जिम्नास्टिक में आपको ये देखिए, एक लेटर मैंने जिम्नास्टिक जब आप इंग्लिश से लिखेंगे तो क्या बनेगा, जी। और जी स्मॉल जी कैसे बनाते हैं, इस तरह से, अगर इसको पूरा जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8। इस तरह से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 8। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 8। फिर नेक्स्ट देखते हैं खो खो। तो खो खो इस तरह से आप इंग्लिश में जब इसकी लिखेंगे देवनागरी लिपि को ही, तो खो खो कितने लेटर होंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 दो बार आया, तो आप क्या करेंगे, 3, यानी 3 ये हुआ, 3 ये हुआ, तो 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग, तो कितना हो गया, 9। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9। बेसबॉल एक्चुअली इसका नाम ही है, जैसे बेस, जैसे कि आप बूढ़े लोगों को देखा होगा, तो बूढ़े लोग क्या करते हैं, बेस के लिए एक डंडा लेके चलते हैं या आधार इस तरह से, और बॉल है तो इसी में आप यहाँ पे ऊपर बॉल लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9। तो क्या रखेंगे आप, बेस बॉल। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। तो आपको सिंपली सबसे ज्यादा इनकी पूछी जाती है इन गेमों की, क्योंकि यहाँ ये वाले गेम थोड़े से न्यू रहते हैं और मोस्टली जो मिस्टेक होती है वो इन्हीं से होती है, तो सबसे ज्यादा तो इन्हीं को याद रखना है नॉर्मली। अब बाकी जो गेम्स है, जैसे क्रिकेट में तो सभी को याद ही रहता है कि कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी। वैसे भी अगर आपको याद रखना तो क्रिकेट में के का याद रखना है, क्योंकि इसमें का 2-3 बार आता है हिंदी में ही लिखे, है ना, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। तो क्रिकेट में जो का है, इंग्लिश में उसे के कहते हैं,
और 11 का नंबर कितना होता है, प्लेस वैल्यू अगर अल्फाबेट में देखें तो कितना होता है 11, तो क्रिकेट से क्या हो जाएगा 11। इस तरह हॉकी में भी के है तो इसमें भी कितने हो गए 11। आपको फुटबॉल का याद रखना है कि फुटबॉल में कितने होते हैं, तो फुटबॉल वैसे भी किससे खेली जाती है, लेग से, और लेग कितने होते हैं 2, तो एक लेग दो लेग तो 2 लेग्स है ना, तो 2 लेग ऐसे इस तरह से पैर, तो क्या याद रखना है इसमें भी 11 होती है। तो इन तीनों में कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। अब देखते हैं टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन, इनमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2, सिंपली कितनी याद रखनी है 1 या 2, क्योंकि ये सिंगल भी होते हैं और डबल्स भी होते हैं, यानी कि युगल प्रतिस्पर्धा भी होती है तो उसमें ही 2 हो सकते हैं, या डबल्स होते हैं जैसे बैडमिंटन की डबल प्रतियोगिता होती है, इसी तरह ये क्या होते हैं सिंगल डबल, तो 2 प्लेयर हो सकते हैं एक पक्ष में। रग्बी, रग्बी का पूरा नाम रग्बी फुटबॉल भी ऐसे कह देते हैं, पूरा रग्बी फुटबॉल, तो फुटबॉल का हमने याद किया था 11, और अगर इसमें देखें आप याद करें तो कितने आएंगे लेटर रग्बी, 1, 2, 3 और ये बड़ी की मात्रा तो 4, तो कितने हो गए 4, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आएंगे 15। ओके गाइस, तो अब आपको किसी भी गेम्स के जो होंगी पूरे याद हो जाएंगे, एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा, पोलो में हमने किया था कि इसके 4 लेटर हैं तो 4, कबड्डी में हमने गिना था तो कितने 7 हो गए थे, नेटबॉल में हमने गिना था तो 7 हो गए थे, वाटर पोलो को इस तरह से याद लिखा था हमने तो उसमें 7 था, वॉलीबॉल में 6 हमने वॉली को गिना था, बॉल को नहीं गिना था, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को मैंने कहा था कि आपको लास्ट में सुनाऊंगा, बास्केट यानी एक्चुअली होता है क्या होता है टोकरी होती है, यानी कि जो कोई भी टोकरी है तो बास्केट यानी होती है टोकरी, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें आपको कितनी बॉल डालनी है 5 बॉल डालनी है, तो सिंपली कितनी बास्केट में डालनी है आपको 5 बॉल डालनी है, तो उससे आपको ऐसे भी याद रख सकते हो बास्केट में हमने कितनी बॉल डाली थी 5 बॉल। ओके गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर, लाइक करिए और साथ ही शेयर करिए अपने दोस्तों में, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।